हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए आज हम क्या बनाएंगे। तो आज हम बना रहे हैं दही गुजिया। तो जिसके लिए मैंने क्या किया है, एक कप ये उड़द की दाल ले ली है और इसे रात भर भिगो दिया था। 4 घंटे में भीग जाती है वैसे, लेकिन मैंने रात भर भिगा दिया था और इसे अच्छे से धो लिया है। और इसे अब हम क्या करेंगे, मिक्सर में डाल के इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब इसे हम बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। मैंने दाल को अच्छे से पीस लिया है और इसे दूसरे बर्तन में निकाल लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से हम ऐसे गोल गोल घुमाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको इस तरह से थोड़ा फेंटना है, फेंट लिए तो ये हल्का हो जाएगा। इस तरह से फेंट लेंगे इस तरह से। अगर 2 मिनट हम इसे फेंट देते हैं तो काफ़ी हल्का हो जाता है मिक्सचर हमारा, जिससे हमारी दही गुजिया अच्छी हल्की बनेगी और नरम रहेगी। वो हमने एक कटोरा पानी ले लिया। अब इसमें ये बैटर को डालेंगे। तो देखिए ये बैटर पूरा इस तरह से ऊपर की तरफ तैर रही है, इसका मतलब ये बहुत ही हल्की हो चुकी है। इसी तरह का बैटर हमें बनाना है। तो 2-3 मिनट आप अच्छे से फेंट कर बनाइएगा, जिससे ये अच्छा हल्का बनेगा। अब हमने दही गुजिया की फिलिंग के लिए ये थोड़ी सी किशमिश ले ली है, जिसे मैंने धो दिया है, और ये थोड़ा सा आलमंड है जिसे मैंने टुकड़ों में काट लिया है, और ये काजू हो गई जिसे भी मैंने काट लिया है। अब चलिए आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। अब हमने एक रिफाइंड का पैकेट ले लिया है और उसे खोल लिया है। ये चिकना रहता है जिसपे अच्छे से ये दही गुजिया रेडी हो जाएगी। अब हम ये इस पे ऐसे करके रख देंगे, इसे फैला देंगे। हाथ में पानी लगा के करना है। इस तरह से गोल शेप दे दिया हमने। अब इस पे क्या करना है, अब इस पे ये थोड़ी सी काजू की फिलिंग, थोड़ी सी बादाम की फिलिंग डाल देंगे और ये किशमिश डाल देंगे 3-4। अब हम इसे क्या करेंगे, इस तरह से पलट देंगे। हो गया, अच्छा शेप आ गया इसका। अब इस तरह से दबा देंगे हम, अंदर की तरफ थोड़ा शेप दे देंगे। हो गया ना परफेक्ट। अब इसे हम बहुत ही सावधानी से तेल में छोड़ेंगे। अब इसे इस तरह से तेल में, मीडियम फ्लेम पे तलेंगे हम इसे। तुरंत नहीं पलटना है, जब तक थोड़ा कलर ना आ जाए, नहीं तो ये फूटने का डर रहता है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तल चुकी है ये, अब हम इसे निकाल लेंगे। इस तरह से पानी लगा के इसको रख के फैला के ऊपर से ये ड्राई फ्रूट्स डाल देने हैं और इसको ऐसा पलट देना है जिससे ये फोल्ड हो जाएगा, और अच्छे से गीले हाथ से शेप देके फिर इसे तेल में छोड़ देंगे। है ना कितना आसान। इसी तरह से क्या करेंगे, एक एक करके हम सारे तल लेंगे। इस तरह से हमने सारे तल के निकाल लेने। अब हमने एक पैन ले लिया है और उसमें ये पानी लेकर के नमक डाल देंगे, थोड़ा सा हींग डाल देंगे। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन इससे अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैंने तो इसे बड़े साइज में ही बना दी है, और आप चाहे तो अपनी मर्जी से छोटा बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे के प्रोसेस की तरफ बढ़ जाते हैं हम। और हाँ फ्रेंड्स, देखिए साइज भी बिल्कुल परफेक्ट आई है गुजिया वाली। पानी जो गर्म किया था मैंने, उसमें ये डाल देंगे, इसे डुबो देंगे। 10 से 15 मिनट में ये अच्छे से भीग जाएगी, और इसे अच्छे से दबा के रखना है ताकि दोनों तरफ से ये अच्छे से नरम हो जाए। मैंने बाउल में दही ले लिया है, इसमें थोड़ा काला नमक डाल दूंगी, भुना जीरा, सौंफ और थोड़ी सी अजवाइन का है ये पाउडर। तीनों को मिला के मैंने भून लिया था, ये पाउडर थोड़ा डाल दूंगी मैं। मेरा दही का घोल तैयार हो चुका है दही गुजिया की गार्निशिंग के लिए। ये देखिए फ्रेंड कितनी स्पंजी है। अब इसे क्या करेंगे, हम इस तरह से हाथ पे रख के
और इसे दबा के इसका पानी पूरा निचोड़ देंगे और फिर प्लेट में डालेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे प्लेट में अरेंज कर लिया है। अब इसके ऊपर से हम क्या करेंगे, ये दही रख देंगे इस तरह से। इस तरह से पूरे पे दही डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पे ये मीठी चटनी फैला लेंगे। थोड़ी सी अनारदाना रख देंगे, थोड़ी सी धनिया पत्ती लगा देंगे हम। थोड़ी सी मेरे पास दालमोठ है मिक्सचर, इसे अब हम डाल देंगे। इसके ऊपर मैंने ये पुदीना पत्ती रख दी है गार्निशिंग के लिए। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। और थोड़ा सा ये जीरा का पाउडर है, जीरा सौंफ जो हमने पीसा था उसे भी थोड़ा छिड़क देंगे हम। इस पर थोड़ा मैंने ये पुदीना का पाउडर है इसे छिड़क दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी तरह रेडी हो गई हमारी दही भुजिया की रेसिपी। तो आप भी बनाइए इस आसान सी रेसिपी को और अपने परिवार को खिलाइए और बताइए कि कैसी लगी आपको ये दही भुजिया की मेरी रेसिपी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।